राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म उत्सव पर मंगलवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने प्रातः 8 बजे नगर निगम भवन पर झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में अयोध्या दास इंटर कॉलेज की छात्राओं और नगर निगम के आला अधिकारी और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। तत्पश्चात गोलघर टाउन हॉल के पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति जितेंद्र सैनी, पार्षद मोहम्मद अफरोज, देवेंद्र कुमार गौड़, पार्षद प्रतिनिधि शमीम अंसारी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, नगर अपर आयुक्त सुमित कुमार, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार रंजन, कंप्यूटर ऑपरेटर जावेद, महाप्रबंधक जलकल प्रमोद कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, स्वास्थ्य विभाग पार्षदगढ़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, लाल उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, गांधी जी और हमारे शास्त्री जी देश के दो महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम विशेषकर स्वच्छता पर बात करेंगे। जैसा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से स्वच्छता के अभियान को चलाया था तो लोग सोच रहे थे कि मोदी जी लाल किले से झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं। आज स्वच्छता अभियान पूरे देश का मिशन बन गया है और जब हम भारत को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो हम भारत को बीमारियों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज देश में हमारे बहुत से भाई बहन गंदगी की वजह से बीमार पड़ते हैं, इसलिए मैं शहरवासियों से कहूँगा कि स्वच्छता के मिशन को अपना मिशन बनाएं और शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में गांधी जयंती
और हमारे शास्त्री जी के जयंती पर एक व्रत लें कि हम अपने शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर रखें। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया गया तो उस पर कितनी कामयाबी मिल रही है? देखिए, 90% कामयाबी अभी शहर को मिली है। जगह जगह पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं और 5-10% अभी भी शहर में कमियां हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है कि जो कमियां रह गई हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। 2 अक्टूबर को नगर निगम में हमारे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के दिन नगर निगम ने संकल्प लिया है कि इस नगर को स्वच्छ बनाना है। हमारा स्वास्थ्य हमारी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो स्वच्छता को अपनाते हैं। ये नगर निगम इस पूरे नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देगा और स्वच्छता ही सेवा के नाम से स्वच्छता का विशेष पखवाड़ा चलाएगा, जिसमें पूरे शहर में मुख्य मार्गों पर, गलियों में, वार्गों के अंदर हमारे जितने कूड़े घर हैं, जितने स्थानों पे कूड़े जमा होते हैं उनको साफ़ सुथरा करेंगे, चौराहों का सौंदर्यीकरण करेंगे, एक स्वच्छता का पखवाड़ा चलाएंगे, जिसमें जो संचारी रोग होते हैं, जैसे रोग जो वातावरण में फैलने से बढ़ते हैं, इनकी रोकथाम के लिए फॉगिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के मच्छर जनित, वेक्टर जनित रोग हैं उनके लिए जो है हम लार्वा के कंट्रोल के लिए अन्य दवाओं का नालियों में छिड़काव करेंगे, ताकि ये नगर स्वच्छ रहे, ये नगर स्वस्थ रहे। धन्यवाद।